नमस्कार, न्यूज 1:11 में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा वर्मा। रोहतास के सासाराम में नशा मुक्ति और दहेज उन्मूलन के पक्ष में सासाराम मैराथन दौड़ हुआ। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम की शुरुआत महायोगी पायलट बाबा ने हरी झंडी दिखाकर की, जिसमें बिहार के पुलिस महानिदेशक गुप्तेश्वर पांडे भी मौजूद रहे। बिहार के पुलिस महानिदेशक सबसे पहले महिला बीएमपी सासाराम में पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया, जिसमें महिला बटालियन के सिपाहियों ने सलामी दी और इस दौरान परेड का कार्यक्रम भी हुआ। वहीं डीजीपी ने कहा कि महिलाओं के पुलिस बल में आने से पुलिस बल की संवेदनशीलता बढ़ी है। बिहार सरकार की नीतियों के चलते 37% महिलाएं पुलिस बल में शामिल हुई हैं। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। महिलाओं के पुलिस बल में आने से पुलिस की संवेदनशीलता बढ़ी है, कि बिहार सरकार की नीतियों के चलते आज 37% महिलाएं बिहार पुलिस बल में आ रही और वो किसी भी मायने में पुरुषों से कम नहीं है। और अभी तक जितनी महिलाएं आई हैं अधिकारी या जो सिपाही वर्ग संवर्ग में, उनके परफॉर्मेंस को देखने से ऐसा लगता है कि वो बहुत अच्छा कर रहे हैं और इनसे बहुत अधिक उम्मीद है। मैं इनका मनोबल बढ़ाने आया। सर, आज इस सर्द के मौसम में ठंडे लोग काफ़ी लोग मैराथन दौड़ में भाग लिए, इस पे क्या करना चाहते हैं आप? नहीं, आप बिहार में जानते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी का जल जीवन हरियाली का कार्यक्रम चल रहा है, पर्यावरण की रक्षा का कार्यक्रम चल रहा है, बिहार में नशा मुक्ति आंदोलन चल रहा है और इसमें पायलट बाबा आकर के नशा मुक्ति के लिए और विश्व शांति के लिए मैराथन हाफ मैराथन करा रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ आ गया। बिहार की तमाम ऐसे खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार। न्यूज 1:11 के वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं।